ऑलराइट, सो आज एक आप दिन नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है द ब्रांड न्यू कीवे की तरफ से 6300i। ये एक फुल्ली रेट्रो लुकिंग स्कूटर है और दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड इस स्कूटर की जो ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो है 3,80,000 रुपीज़ मुंबई। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू कीवे एंड बेनेली जोगेश्वरी एंड आशीष सर जिन्होंने जो है मुझे ये स्कूटर प्रोवाइड किया आप तक पहुँचाने के लिए। अगर आपको शोरूम की कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। सीधा फ्रंट से शुरुआत करेंगे। सो फ्रंट में जैसे मैंने आपको बताया रेट्रो लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको DRL के साथ साथ LED लाइट्स मिलती है। बीच में जो है आपको कीवे की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हो, काफ़ी यूनिक से शेप में आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं। एंड एक यहाँ पे जो है आपको हल्का सा रेड कलर का ग्रिल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको विक्टोरिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड मड गार्ड पे जो यहाँ पे आपको ये लोगो मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहता है। जो रोल्स रॉयस में आता है वैसे टाइप का बाहर आता है वैसा लोगो है यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखा दूँ इसकी LED लाइट्स। सो इसकी LED लाइट्स जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड थ्रो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कर देते हैं बंद और टायर्स पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और यहाँ पे आपको 120/70/12 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं। निसिन की तरफ से आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसमें जो है आपको ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे जो आपको 300i की ब्रांडिंग मिल जाएगी, क्या बात है। फ्लोर पे आ जाते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ये दो ग्रिप्स दिए हुए तो यहाँ पे भी वहाँ पे भी, सो आप जो आसानी से अपने पैर यहाँ पे टिका सकते हो। मैं भी चला कल आ रहा था, मुझे कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो रही थी, बट फिर भी मैं आपको बाइक चलाने के टाइम पे बताऊंगा। और यहाँ पे जो आपको नीचे ही फुट बोर्ड पे इसकी टैंकी मिलती है जिसमें आपको एक 10 लीटर की टैंक मिलती है। मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ। सो ये ऑन जो है कुछ इस तरीके से होती है। एंड इस स्कूटर में से जो आपको ऑलमोस्ट 30 की माइलेज भी मिल जाएगी, यानी इसको जो आपको यहीं से बंद करना है, यहीं से फिल करना है। पीछे की साइड आ जाते हैं। सो पीछे की बॉडी आप देख सकते हो एकदम ही ज़्यादा रेट्रो लुकिंग येट एकदम स्टाइलिश दिखती है। यहाँ पे जो आपको हल्के फुल्के से वेंट्स जैसे इफेक्ट मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको 60s की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो रेड में आती है, कीवे की ब्रांडिंग मिल जाएगी। हल्के फुल्के से पियानो ब्लैक इफेक्ट, ये रहा पिलियन फुटपैक। यहाँ पे जो आपको कहीं पर भी पिलियन फुटपैक नहीं मिलता, सीधा आपको आगे ही मिलता है। और एग्जॉस्ट आप देख सकते हो काफ़ी लंबा सा यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलता है। अभी मैं सुना था आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। बाय द वे यहाँ पे भी जो आपको ये कटआउट्स मिलते हैं यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। अभी मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। साउंड करने में जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 300cc का जो इंजन है उसका साउंड बहुत ही बेहतरीन है। अब आ जाते हैं स्कूटर के बैक व्यू पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको विक्टोरिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो आपको छोटा सा लगेज रैक मिलता है तो आप चाहो तो कोई सामान यहाँ पे रख सकते हो। ब्रेक लाइट जो रहेगी आपको मिलेगी LED में कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको कीवे की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये रहा रिफ्लेक्टर्स। और इसकी जो टर्न इंडिकेटर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे और LED में मिलते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखते हैं। मैं जो आपको इसके इंडिकेटर्स ऑन करके एक बार दिखा दूं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखता है। एंड पीछे की साइड आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, ये बाजू आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको एक 300cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है और यहाँ पे आपको कीवे की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये रहा। यहाँ पे आपको मेन स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाएगा और कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा। पीछे का जो टायर है वो है 120/70/12 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं। एंड पीछे भी आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स। अभी आ जाते हैं स्कूटर के सीट्स पे। सो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी सीट्स यहाँ पे आपको मिलती है। आप देख सकते हो मेरा हाथ है, फिर भी कितनी ज़्यादा स्पेस बचती है। एंड यहाँ पे आपको स्ट्राइप वर्क मिल जाएगा। पिलियन के लिए भी जो है काफ़ी बड़ी सी सीट दी हुई है, बट यहाँ पे कितना बूट स्पेस मिलता है मैं आपको दिखा दूँ। ये खुल गया, कुछ नहीं करना आपको चाबी को उल्टा घुमाना है। सो दिस इज़ द बूट स्पेस। पीछे की सीट जो ऊपर नहीं होती, सिर्फ आपको आगे की सीट ऊपर करनी है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है। कितने लीटर की बूट स्पेस है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं, बट एक हाफ फेस हेलमेट यहाँ पे ज़रूर से आ जाएगा। अब आ जाते हैं स्कूटर के हैंडल बार्स पे।
सो यहाँ पे सबसे पहले आपको रबराइज ग्रिप मिलती है, काफ़ी मोटे से आपको यहाँ पे हैंडल बार्स मिलते हैं, ब्रेक लीवर्स, और यहाँ पे आपको ये पास लाइट की स्विच मिल जाएगी, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, ये बाजू आपको हज़ार लाइट की स्विच मिलती है, इंजन किल स्विच का स्विच मिलता है और पावर का बटन मिल जाएगा। डिस्प्ले पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे जब आपको एनालॉग के साथ साथ एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स। सबसे पहले आपको एक स्वाइप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना स्पीड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितने किलोमीटर चलिए, ओडोमीटर, टाइम, कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्या क्या वार्निंग्स आ रही है, फ्यूल गेज मिल जाएगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ से टॉगल भी कर सकते हो। और यहाँ पे बीच में आपको वंस अगेन ये विक्टोरिया का लोगो देखने को मिलता है, और साइड व्यू मिरर्स आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लुक में दिए। एंड यहाँ पे नीचे की साइड जो आपको एक हुक मिलता है, तो अगर आपकी मम्मी आपसे सब्जियाँ वगैरह मंगवाती है तो आप उसको जो है यहाँ पे लटवा सकते हो, और एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। एंड नीचे की साइड जो है यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा, तो आप चाहो तो अपना फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के यहीं पर बंद कर सकते हो। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा वॉक अराउंड ऑन द ब्रांड न्यू कीवे 6300i। अभी हम लोग एक काम करेंगे, सॉरी अभी मैं एक काम करूँगा, मैं घुसूँगा अपने मोटर लॉक के सेटअप में, एंड लेट्स सी ये स्कूटर चलने में है कैसी, लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटर व्लॉग के सेटअप में, और स्कूटर की चाबी जो है वहीं पे लगी हुई है आज भी, सो हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। फाइनली मैं चलाऊंगा इस स्कूटर को, वैसे तो मैंने इसको बहुत देर तक चलाया हुआ है तो मुझे पता है स्कूटर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, पर फिर भी मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। साइड साइड से उतरेंगे भाई, थोड़ा धक्का, या सॉरी यहाँ पर मिट्टी में फंसा हुआ था इसके लिए, चलो तो सबसे पहले बात करेंगे स्कूटर के कंफर्ट को लेकर। भाई मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, स्कूटर जो है बैठते ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मतलब आप जो है एकदम ही तुरंत ही स्कूटर से कनेक्ट कर जाओगे कंफर्ट के मामले में, ये तो मैं आपको मेरा वर्डिक्ट दे रहा हूँ, बिकॉज इसकी सीटिंग पोजिशन है बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड ईजी गोइंग सीटिंग पोजिशन है, मतलब जैसे कि आप चेयर पर बैठते हो ईजिली कैसे बैठते हो वैसे इस पर भी बैठना है। आगे नीचे जो है फूड बोर्ड पर प्लेंटी ऑफ स्पेस है, मतलब इतनी ज़्यादा जगह है नीचे, मैं आपको क्या ही बताओ कि अगर चाहो तो यू नो इधर आप एक 1 BHK बना सकते हो, उतना तो जगह दिया है। इट वाज अ वेरी बैड जोक, बट यस इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, और हैंडल बार्स जो है काफ़ी आपकी तरफ आते हैं, तो आपको आगे तो बिल्कुल भी झुकना नहीं है, और आपके एल्बोज जो रहेंगे एकदम ही मतलब ऐसे रिलैक्स पोजिशन में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्ट जो रहेगी वो ऐसे हैंडल बार पर टंगी हुई रहेगी, बाकी पूरा का पूरा आप ऐसे अपने हाथ को छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। और सीट्स जो है भाई बहुत बड़ी सीट्स है, तो एक सीट में यू नो आई थिंक 2 जन पतले पतले लोग आसानी से बैठ पाएंगे, इतनी बड़ी चौड़ी सीट्स है, कुशनिंग भी अच्छा खासा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो यस कंफर्ट को लेकर मैं इस 60s को दे दूंगा 10/10। और अभी आ जाता है स्कूटर के इंजन पे, भाई इससे पहले जो था मैंने इसका जो दूसरा भाई है जो मैक्सी स्कूटर है VST 300 वो भी मैंने चलाया था, बट ये स्कूटर का जो पंच है कुछ ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा खड़क है, मतलब ये बाइक मैं आपको बोल रहा हूँ अगर इस इंजन के साथ अगर आप ड्रैग रेस करोगे ना तो आप 100% जीत जाओगे, इतना ज़्यादा पावरफुल है, और VST से भी ज़्यादा मुझे इसमें पावर लग रहा है, मतलब स्कूटर जो उठती है जो पिकअप प्रोड्यूस करती है ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा मतलब आपको डर लगेगा कि भाई इसका थ्रॉटल अगर मैं जोर से ओपन किया तो विली विली ना मार दो वैसे वाला सीन है। और रिफाइनमेंट बहुत मतलब बहुत बढ़िया रिफाइनमेंट है, आपको मतलब देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ आपको लगेगा कि नॉकिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अच्छे से परफॉर्म कर लेती है। और अभी अगर मैं इसके वाइब्रेशंस की बात करूँ तो भाई आपको इसमें जो बहुत मतलब बहुत ही मिनिमल वाइब्रेशंस लगते हैं, आपको लगेंगे अपने फुट बोर्ड पे थोड़े बहुत हैंडल बार से, बाकी सीट के यहाँ पे जो है बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं लगते। और जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये देखिए, अगर मैं उसको खींचता हूँ पूरा थ्रॉटल घुमाता हूँ तो मतलब स्कूटर तो जो है ऐसे भागने ऐसा लग रहा है कि किसी को मारने को दौड़ रही है वैसा लगता है, इतना भागती है ये स्कूटर ओ माय गॉड। और इंक्लाइन विंक्लाइन चढ़ने के लिए इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप इसको कौन से भी स्लोप पे चढ़ा लो कुछ भी कर लो ये इंजन जाएगा सीधा। और अभी आ जाते हैं इसके हैंडलिंग पे, तो इसका जो हैंडलिंग है ना वो मुझे VST 300 से इसका थोड़ा स्टिफ लगता है, बिकॉज इसके हैंडल बार्स पे जो है सारा का सारा वेट आ जाता है, ये सारा हेडलाइट आ जाती है, मडगार्ड आ जाता है, ये सब आ जाता है, उसमें क्या ना डिटैच है बॉडी से डिटैच किया है, बट यहाँ पे जो सब कुछ एक ही में दिया है तो इसका हैंडलिंग आपको थोड़ा सा स्टिफ लग सकता है, बट स्टेडीनेस जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब ऐसे मतलब स्कूटर जो आपकी स्ट्रेट 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 चलती रहेगी कुछ भी कर लो हिलेगा नहीं, रोड को छोड़ेगा नहीं, वैसा वाला हैंडलिंग है इसका। और अगर आपको टर्न वगैरह रहना है तो आप जो इस पर आसानी से अपने कमर के हिसाब से टर्न ले सकते हो, बिकॉज इसके पीछे की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, और जिस हिसाब से उसको कटिंग दिया ना बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक भी है, रेट्रो स्टाइल में एरोडायनामिक को मिक्स किया हुआ है मेरे हिसाब से। सो दिस इज हाउ इट इज़।
और इसकी जो टॉप स्पीड यहाँ पे बता रहा है वो है 160 बट 120 तक जाएगी मेरे हिसाब से। और इसके आ जाते इसके ब्रेक्स पे भाई, यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक में ABS सिस्टम मिलता है और यहाँ पे आपको कॉम्बी का भी सिस्टम मिलता है। अगर मैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वैसा ही सेम है जो मैंने पहले किया VST 300 चलाया था। अगर आपको एंगेज करना है तो आपको जो है हल्का सा इस स्कूटर को जोर से लीवर को जोर से प्रेस करना पड़ता है, जब जाके वो आपको वो ब्रेक अप्लाई होगी इसकी। और इसकी जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मुझे लगता है फ्रंट ब्रेक से इसकी कॉम्बी ब्रेक जो है काफ़ी अच्छे से काम करती है। उसका हेलमेट गिर गया, कोई बात नहीं। और इसके जो सस्पेंशन है भाई, इसका सस्पेंशन स्टिफ साइड पे है, मतलब आप इसको अगर स्पीड ब्रेकर या खड्डे वगैरह में से लोगे तो आपको झटका 110% लगेगा। VST 300 में सॉफ्ट था बट इसमें जो है आपको झटका ज़रूर से लगता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके जो पिलियन के जो फुट पैक्स है वो बराबर आपके पैर के यहाँ पे आता है, नीचे की साइड आता है। तो अगर आप अपने पाँव नीचे रख के ऐसे 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 करोगे तो पीछे जो है टच हो जाता है, तो वो चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और विंड ब्लास्ट भाई, इसमें आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगती है, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके चेस्ट एरिया पे और सर पे। अगर हेलमेट नहीं पहना तो ऑब्वियसली बातें लगेगी, बट हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो चेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगती है, बाकी ओवरऑल आपका जो बॉडी है वो ढका हुआ रहेगा, मतलब आप जो है ना एकदम स्कूटर के अंदर घुसे हुए रहोगे, आपको ऐसा फील होगा आप जो स्कूटर के अंदर घुसे हुए हो वैसा लगता है। आई एम रियली हैप्पी, इस स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से बहुत अच्छा खासा है। और स्पेशली ये जो रेट्रो लुक दिया ना, मतलब मैंने अभी तक इतना अच्छा रेट्रो लुकिंग स्कूटर नहीं देखा है यार, स्पेशली इस प्रीमियम 300cc सेगमेंट में। और बहुत लोग जो है ना इसको मूड मूड के देखते रहते हैं, वो तो आप रेडी रहेगा, कोई भी आपके आज बाजू में जाएगा वो आपको पूछेगा ही पूछेगा कि भाई आप भाई साहब ये आप क्या चला रहे हो, तो वैसे वाली बात है। ये देखो आप ट्रक में आप देख रहे थे, वो देख रहा था ओला लेके जा रहा था पर अपनी स्कूटर को ताड़ रहा था वैसी वाली बात है। ओके सो मैंने जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ऑन द 60 300i। मैं आपको मेरा फाइनल वर्डिक दे दूँ भाई, अगर आप एक प्रीमियम, इसका वर्डिक बहुत सिंपल रहने वाला, अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट में रेट्रो लुकिंग स्कूटर चाहते हो जो एकदम ही ज़्यादा यूनिक हो और परफॉर्मेंस, तो मतलब एकदम आग बंद, मतलब परफॉर्मेंस के बारे में देखना ही नहीं है, मतलब आपको पता है कि स्कूटर परफॉर्मेंस देने वाली है, तो अगर आप यू नो 380,000 रुपये स्पेंड करना चाहते हो प्रीमियम सेगमेंट में, सो आई थिंक आपको डेफिनेटली ये चेकआउट करना चाहिए। बिकॉज अभी मार्केट में जो है ये सेगमेंट में ये प्राइस पॉइंट पर कोई भी स्कूटर दूसरी आती नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है या तो इससे सस्ती आती है, तो ये जो है मिडिल में बैठती है। और अगर आप मेरे लिए कोई सवाल तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड द व्लॉग अगेन, आई होप यू एंजॉयड गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज DBS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।